कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, करें स्टार्ट नेक्स्ट कंटिन्यू बोहर मॉडल को। ठीक है, तो अभी तक अपन लोगों ने क्या देखा? बोहर मॉडल के जो पोस्टुलेट्स थे उनको अपन लोगों ने कंप्लीट किया। उसने क्या बोला बोहर ने, ये चीज मतलब ये चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी, ये सारे पॉइंट्स आपको मान के चलने पड़ेंगे। नहीं, मेरा मॉडल आपको समझना या एक्सप्लेन करना है। देखो, बोहर का सबसे खास बात क्या थी, मतलब बोहर ने ऐसा क्या खास बात किया जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, जिसको अपने को सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, जिसकी सारी कैलकुलेशन पढ़ेंगे अभी अपन लोग। एक्चुअली बोहर ने जो कैलकुलेशन की थी वो मेनली रेडियस, स्पीड एंड एनर्जी की थी, और ये तीनों कैलकुलेशन उसने करेक्ट की थी। यदि प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ मैच किया जाए तो बिल्कुल सही थी, और इन कैलकुलेशन के सही होने के कारण ये मॉडल बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, हालांकि इस मॉडल की लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन में बार बार बोलता हूँ कि इसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक होना पहली ही सबसे बड़ी दिक्कत थी, कि ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मॉडल पे ही बेस्ड था। तो सर, एक इलेक्ट्रॉन वाला मॉडल लॉन्च करके क्या फेमस हो गया यार, क्या उखाड़ दिया? एक ही तो इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या मॉडल होता है वो तो हम भी बता देते यार। लेकिन खास बात ये थी कि उस एक इलेक्ट्रॉन के बारे में इसने बहुत कुछ कैलकुलेट करके दिया यार। उस एक इलेक्ट्रॉन और उसने बहुत कुछ कैलकुलेट करके दिया। उसकी एनर्जी बताई, उसकी स्पीड बताई, उसकी टाइम पीरियड बताया, उसका रेडियस बताया, और आगे कौन कौन से क्या क्या रेडियस ने वो तक कैलकुलेट कर दी यार। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट मॉडल। ओके, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपन चलते हैं एटमिक मॉडल या एटमिक बोहर का एटमिक मॉडल में कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, अभी कैलकुलेशन सीखनी जरूरी है। देखो, जनरली मैं वीडियो पहले लिख के रखता हूँ। क्यों लिख के रखता हूँ? ताकि मेरा टाइम कम लगे। लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं लिखा ना, ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं आपको हर एक स्टेप समझा पाऊं, आप लोग हर एक स्टेप समझ पाए, आप कंफ्यूज ना हो कहीं पे मैंने कोई स्टेप कैसे लिख दिया। इसलिए हर एक बात लिखूंगा, समझेंगे आप लोग, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछेंगे। वो पूछना कहाँ है सर आपको? कैसे पूछे आप तो सर, वीडियो देखते दे रहे हो। अरे भैया, तेरे को बताया ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, लिंक उसमें आके पूछ मेरे से, कमेंट में पूछ मेरे से। तू जो भी जाता है तेरे को हर चीज मिलेगी मेरे से। ठीक है, आजा। चीज पढ़ना अपना धर्म है यार, अपन पढ़ेंगे, अपना कर्म धर्म सब कुछ वही है, पढ़ना और पढ़ना। ठीक है, चलो। तो हेडिंग क्या है? कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, रेडियस एंड एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपने पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन, mvr इक्वल्स टू n h अपॉन 2 पाई, जो कहां साइड, थर्ड पोस्टुलेट साइड बोहर के। और सेकेंड इक्वेशन है kze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये इक्वेशन कहां साइड, फिर से समझा देता हूं मैं। सिंपल सा था फंडा, कि यदि कोई एटम है तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की तरह बिहेव करता है, या है उसमें प्रोटॉन पड़े हैं और टोटल जेड प्रोटॉन पड़े हैं। तो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई होता है, तो जेड प्रोटॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर जेड है, तो जेड प्रोटॉन का चार्ज कितना, प्लस का जेड ई हो जाएगा। तो एक प्लस जेड ई चार्ज का यहाँ पर पड़ा है और एक माइनस ई चार्ज का यहाँ पर पड़ा है, दोनों बीच की आर डिस्टेंस है। जो फॉर्मूला है फोर्स का, जिसको बोलते हैं कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं है। एफ इजिक्वल्स टू के कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट, Q1 कितना है जेड ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का ही अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या आ गया माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या लग रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों को इक्वल कर दिए। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड लिया तो माइनस हट जाएगा, इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों फोर्स को इक्वल किया और कुछ नहीं किया। तो ये दोनों इक्वेशन काम किए, इसलिए मैंने दोबारा भी इसको एक्सप्लेन किया है ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, चलो। तो अपन फिर डेरिवेशन की ओर चलते हैं वापस। एक इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। देखो, इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इजल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन वन। आर से आर काट दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, के जेड ई स्क्वायर इजल्स टू एम वी, और आर को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, आर को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया और वी स्क्वायर की जगह एक वी को बाहर रख दिया। इस वी को वी इंटू वी लिखा, एक वी को बाहर रख दिया और आर को यहाँ रख दिया। अब वी को अब क्या करता हूँ, एम वी आर की मेरे पास वैल्यू पड़ी है। ठीक है, तो के जेड ई स्क्वायर इजल्स टू एम वी आर की वैल्यू क्या है, एन एच अपॉन 2 पाई। इक्वेशन फर्स्ट से अपन ने वैल्यू पुट कर दी, लिख सकते हैं। पहले तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, ये सेकंड इक्वेशन से काम किया अपन लोगों ने। इसको फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट अपन ने वैल्यू पुट की और वी है दिस दिशा रख दिया, ये एम वी आर इज टू एन एच अपॉन टू पाई, एम वी आर इज टू एन एच अपॉन टू पाई। तो इससे वी कितना आ गया, वी इज इक्वल्स टू, वी को यहीं रखता हूँ और बच्चों को एक साइड मल्टीप्लाई के है जेड ई स्क्वायर इंटू टू पाई अपॉन एन एच, ये वी का वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एटम का जो एटमिक नंबर वो चेंज हो सकता है, मतलब जेड चेंज हो सकता है और नंबर ऑफ सेल चेंज हो सकता है, इसको एक साइड रखता हूँ। तो वी इज इक्वल्स टू जेड बाई एन के कॉन्स्टेंट परमिटिविटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू कॉन्स्टेंट वैल्यू पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू अपॉन एच पांच कॉन्स्टेंट। तो ओवरऑल वी का फॉर्मूला ही बन गया। तो v को वापस ही लिखता हूं, क्या आ गया z बाई एन, अलग रख दिया और सारा देखो आप कॉन्स्टेंट है, k कॉन्स्टेंट है, e स्क्वायर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट वैल्यू पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू और h प्लांक कॉन्स्टेंट है ही। जब इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट की तो मेरे को क्या मिला, v इज इक्वल्स टू जेड अपॉन एन और इस कॉन्स्टेंट को 2.18 × 10⁶ आई मीटर पर सेकेंड में। तो स्पीड का फॉर्मूला नहीं आ जाएगा कि अपने पास स्पीड इज इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू जेड अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास स्पीड का फॉर्मूला है किसी भी एनएस सेल के लिए और किसी भी जेड एटॉमिक नंबर के लिए, तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला तेरे को ध्यान में डालना पड़ेगा, बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन के फॉर्म में इसका एग्जाम्पल देख। चलो एक बार इसको और एक्सपेंड करते हैं और चर्चा करते हैं। वी प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, यदि कॉन्स्टेंट हटा देता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, वी वन प्रोपोर्शनल टू जेड वन अपॉन एन वन, वी टू प्रोपोर्शनल टू जेड टू अपॉन एन टू, दोनों को डिवाइड लगाता हूँ तो वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड वन अपॉन जेड टू इंटू एन टू अपॉन एन, ये भी तेरे को याद करना पड़ेगा, ये भी तेरे को याद करना पड़ेगा। जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है, सीधी सी बात है यार। अरे न्यूमेरिकल करना है तेरे को भाई, और न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए और डेरिवेशन भी याद होना चाहिए भाई तेरे को, ठीक है। चलो तो वी का अपन ने कर लिया, अब मेरे को आर तक पहुंचना है, तो आर तक पहुंचने के लिए मैं वी का फॉर्मूला ऐसे पुट कर दूं इस एमवीआर में। तो ये कैलकुलेशन ऑफ आर कंप्लीट हुआ, सॉरी वी कंप्लीट हुआ, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है, और ये भी टर्म अपने को याद ही रखनी है, ठीक है। चले आगे, अब कैलकुलेट करते हैं अपन जेड की वैल्यू को। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट जेड का कैलकुलेशन, तो ये ऊपर वाले दो इक्वेशन तो है जैसे जैसे रखता हूँ ना, और सारे चेंज करता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, एम वी आर इज टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैं मानता हूं थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, मतलब मैंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन से वी की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, ठीक है, कर देते हैं। एम है जैसे जैसा और वी का वैल्यू कितना है, डेड बाई एन के ई स्क्वायर टू पाई डिवाइड बाई एच, ये किसका वैल्यू, वी का वैल्यू, आर है जैसे जैसे रख दिया, ये आर है जैसे एन एच अपॉन टू पाई, आर को एक साइड रख देता हूँ, आर को इसी साइड रख दिया और जो बचा हुआ सारा मामला था मसाला था जो एक साइड कर दिया, ठीक है। तो एन 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 स्क्वायर बन जाना है, ठीक है, और जेड नीचे आ जाएगा, जेड नीचे आ गया, ये दोनों चेंज होने वाले बंदे हैं, इनको एक साइड रख दिया, बचा हुआ जो कॉन्स्टेंट है उनको एक साइड कर देते हैं, जैसे एच स्क्वायर बन जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा, फोर पाई स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम ई, ठीक है, के ई स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एम पढ़ रहे देते हैं, ये आ गया। अब इस कॉन्स्टेंट को मेरे को सॉल्व करना है, तो आर इक्वल्स टू, जब इस कॉन्स्टेंट को सॉल्व किया तो एन स्क्वायर बाई जेड है जैसे जैसे रहा और इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0.529। अभी सर कॉन्स्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हो आप, अरे वो सर की हेडेक है ना यार, तेरे को वैल्यू याद रखनी है, कैसे कैसे कैलकुलेट हो फर्क नहीं पड़ रहा, अरे कैसे क्या यार, एस कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट की, फोर एक वैल्यू है, पाई एक वैल्यू है, परमिटिविटी कॉन्स्टेंट 10⁹ जो भी वैल्यू पुट की, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट किया, इलेक्ट्रॉन का मास पुट किया, सोल्व कर दिया, वैल्यू आ गई यार। और आर रेडियस जो लेंथ है, लेंथ जो है एंगस्ट्रोम में आएगी तो देख लें, एंगस्ट्रोम में पुट कर दिया, ठीक है। तो तू भी कैलकुलेट करेगा तो मीटर में दे रहेगा, मीटर में काम कर, और एंगस्ट्रोम में काम करना है एंगस्ट्रोम में कर ले, ठीक है। चल तो एक फॉर्मूला बन चुका है अपने पास रेडियस का, अल्टीमेटली आर इज इक्वल्स टू
एन स्क्वायर बाई जेड 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये तेरे को क्या करना है, याद करना है, सेम स्टर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले प्रोपोर्शनल टू आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड आ गया। और इस प्रोपोर्शनलिटी को काम में लेते हैं एक और फॉर्मूला लिखूंगा, आर वन अपॉन आर टू इक्वल्स टू एन वन स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर डॉट जेड टू अपॉन जेड वन। ये सिमिलर वही तरीका था जो भी काम में लिया था। देख मैंने दो चीजें तेरे को सिखा दी है, दो फॉर्मूले तेरे को मैंने सिखा दिए हैं कैसे डेराइव किए हैं मैंने। अभी डेरिवेशन भी आना चाहिए तुम लोग, क्योंकि IIT 2011 एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द फर्स्ट बोहर रेडियस इन हाइड्रोजन एटम। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया जाए तो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल जो है उसका रेडियस क्या आएगा। तो देख रेडियस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो रेडियस एक्चुअली आया करती है, जो रेडियस एक्चुअली आया करती है एम मास पुट करने पर, वो टू एम पुट कर रहे हैं, तो जितनी एक्चुअल रेडियस आती है उससे हाफ नहीं आता। ये क्या, क्योंकि रेडियस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो रेडियस आएगी वो हाफ आ जाएगी। तो आपका आंसर जो आएगा हाफ वाला, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं था कि डिपेंडेंसी है या नहीं। जब तक तेरे को डेरिवेशन नहीं पता होगा तू नहीं पता कर सकता कि डिपेंडेंसी है या नहीं, ठीक है। तो डेरिवेशन पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कैसे करते हैं काम, ठीक है। इसलिए मैंने तुम लोगों के सामने किया है। तो अभी तक दो फॉर्मूले आ चुके हैं, अब इन फॉर्मूलों का जादू देख तू, इन फॉर्मूलों का जादू देख। कैसे जादू देख, तू हाइड्रोजन के पहले सेल की रेडियस निकाल कितनी आएगी। हाइड्रोजन का पहला सेल तो एन फर्स्ट हो गया, ये सेल नंबर है, और एटॉमिक नंबर कितना हो गया हाइड्रोजन का, वन। तो वन अपॉन 1.529 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन के पहले सेल की रेडियस है। क्या हाइड्रोजन के दूसरे सेल की रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, पर हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है सर, तो एक ही सेल आना चाहिए उसमें, एक ही ऑर्बिट आना चाहिए। नहीं, किसी भी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं, किसी भी एटम में इनफाइनाइट सेल हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो है रहता, भले किसी एक सेल में हो किसी पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन वो जंप तो करता रहता है ना दूसरे सेल में, मतलब है तभी तो वो जंप कर रहा है। आगे बात समझ में, तो अपन को भी पूछ ले, हाँ सेल सारे पॉसिबल है, ठीक है। चलो तो सेकेंड सेल की निकलेगा तो फोर टाइम्स नहीं हो जाएगा ये इसका, क्योंकि यहाँ पर टू का स्क्वायर अपॉन टू आएगा, सॉरी है हाइड्रोजन के लिए वन आएगा। तो आर इक्वल टू 4 × 0.529 एंगस्ट्रॉम। स्पीड निकाल ले फर्स्ट सेल में, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट उसकी स्पीड निकालना तो निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। जेड कितना आ गया, वन, और सेल कौन सा है फर्स्ट, 2.18 × 10⁻⁶ m/s। तो अपन लोग क्या निकालना सीखे, स्पीड हर एटम के, हर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक चीज की अपन लोग रेडियस निकाल सकते किसी भी सेल की, और उस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते। ये दो चीज सीख ली अपन ने। और थर्ड चीज की तरफ आते हैं, मतलब थर्ड कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, वो है एनर्जी। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है, एनर्जी एनर्जी जो है, अपन लोग एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की डिफाइन करना चाहें तो उसकी जो टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी किस किस का सम होगा उसके पास अपन कंसिडर कर रहे हैं। दो ही एनर्जी है, दो ही टाइप की एनर्जी, टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होगा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एमवी स्क्वायर, सही है। हाँ एनर्जी में वापस तो दो इक्वेशन काम है, एक तो एमवीआर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन 2 पाई, लेकिन वो इतनी ज्यादा काम में नहीं आएगी, मेन काम में आएगी एमवी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला, या ये बोल दो, ये थोड़ा काम में जा रहा है, इसको आर से आर कट कर देते हैं। ये फॉर्मूला या ये जो इक्वेशन बनी थी जो पीछे अपन ने 2-3 बार काम में ली थी, ये अभी ज्यादा काम में आनी है, ठीक है। चले करें, चल तो काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर, यदि मैं हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी का एक और टर्म मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। क्यों किया, थोड़ी देर में काम में आएगा, पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यदि दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 है, वो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो पोटेंशियल एनर्जी, अरे यार तुम सोच रहे हो पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता है, हमने बहुत बार काम में लिया MgH MgH MgH, नहीं बे। अरे पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है, तेरे को देखी फॉर्म बताया अभी तक, और भी बहुत सारे फॉर्म है, तेरे को नहीं पता भाई। Kx स्क्वायर स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है, और पोटेंशियल एनर्जी यदि चार्ज पार्टिकल है, यदि Q1 और Q2 r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग है भाई।
यदि m वेट की वस्तु के ऊपर उठाता हूं तो उसका mgh फॉर्मूला है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं और हर फॉर्म का अपना फॉर्मूला है। तो देख, यदि पोटेंशियल एनर्जी चर्चा कर रहे हैं q1 q2 चार्ज पार्टिकल के लिए, तो वो आएगा k, यदि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर कर देता तो फोर्स बन जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर तो केवल आर ही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। यदि मैं बात करूं एक एटम के अंदर, तो एटम के अंदर आप देखो यहाँ पर प्रोटॉन रहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यदि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यहाँ पर केवल माइनस का ही चार्ज आ जाएगा। और अपनों ने एटॉमिक नंबर जो है जेड लिया, तो प्रोटोन कितने हो गए, जेड नहीं हो गए क्या, प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटोन भी कैसे, यदि एक एटॉमिक नंबर है तो एक प्रोटोन है, 10 एटॉमिक नंबर है 10 प्रोटोन है, और हर प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्लस का ई, तो टोटल इसमें चार्ज प्लस का, जेड ई नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि जेड प्रोटॉन है। सही बात है, तो दोनों जो तो चार्जेस है पता चल गया, एक का माइनस का ई, एक का प्लस का जेड ई, ठीक है। तो क्या आ गया, के क्यू वन प्लस का जेड ई ई अपॉन, सॉरी दूसरा चार्ज माइनस का ई है अपॉन आर, तो क्या बन गया, माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यहां पर अपने को माइनस का साइन कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी है, और वहां पर फोर्स था तो अपन ने कंसीडर नहीं किया क्योंकि फोर्स अपन ने मैग्नीट्यूड इक्वल किए थे, ठीक है भाई। चल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी आ गई के जेड स्क्वायर अपॉन आर, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या आई, के जेड स्क्वायर अपॉन 2 R 1/2 को अपन ने थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिख दिया। चल अब टोटल पे काम करें, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, के जेड स्क्वायर अपॉन 2 R माइनस, इसका वैल्यू कितना आ गया, और माइनस है प्लस, लेकिन वो माइनस में मल्टीप्लाई होने के बाद कन्वर्ट हो गया था इसलिए लिखा था, तो प्लस माइनस माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 R माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है भाई। तो देख, इससे कॉमन नहीं आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कॉमन आ गया, तो यहां पर 1/2 -1, दैट इज -1/2, तो टोटल एनर्जी क्या आ गई भाई, माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 R, 1/2 रह गया है ना, 1/2 किस फॉर्म में रख दिया। देख, टोटल एनर्जी तेरे पास मैंने कैलकुलेट कर दी, मैंने पोटेंशियल तेरे सामने कैलकुलेट करके रख दी, और मैंने तेरे सामने काइनेटिक भी कैलकुलेट कर, अब तेरे को पता चला मैंने काइनेटिक को इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट क्यों किया, ताकि मैं तीनों फॉर्म को रिलेट कर पाऊं। अब तू चाहता है तीनों फॉर्म को रिलेट करना, तो तेरे को यार एक एक अच्छा कंक्लूजन, एक अच्छा रिलेशन देखना इन तीनों में, तो तू मेरी नजरों से देखेगा तो सीख जाएगा, नहीं सीखेगा तो तू मेरी नजरों से देख, बढ़िया से देख, टीई के और पीई में क्या रिलेशन है ना, टीई के पीई में क्या रिलेशन भाई, तू एनालाइज करना यार, तू सोच ना, तेरी मेरी नजर से देख, तेरे को दिखेगा ये चीज, देख 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 जल्दी देख, टी के पी में क्या रिलेशन आ रहा है, ये कैसे रिलेट एक दूसरे से, देख तू सोच रहा हूँ कि के जो है उसका मोड कर दे वो पी टी के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर है, जिनका मोड ले लिया जाए तो, साइन ना लिया जाए तो, क्यों, यहाँ पे माइनस है वहां प्लस है, ठीक है। तो देख, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन दोनों के मोड के इक्वल, ठीक है भाई। अगला देख क्या है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स नहीं है क्या, देख यहाँ पर डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे भी डिवाइड, लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाई 2 नहीं है, तो कर दे यार दोनों से डिवाइड बाई 2 ताकि इक्वल हो जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी भी तेरे को इक्वल करनी है तो डिवाइड बाई 2 करना नहीं पड़ेगा क्या रे। अभी तो रिलेशन लिखा है तेरे पास, तेरे सामने आईआईटी में बहुत बार इसमें मैचिंग आ चुकी है, पैराग्राफ आ चुका है, मतलब ये बहुत काम की चीज है भाई, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये रिलेशन तेरे को याद आना, याद रहना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। चल आगे, तो अपने पास अभी तक क्या आया, एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, लेकिन अभी भी अपन ने एनर्जी का रिलेशन लिखा है, अभी एनर्जी का वो फॉर्मेट इंट्रोड्यूस नहीं किया जो कॉन्स्टेंट वाला था, जो रेडियस और स्पीड में किया था, तो उस फॉर्मेट को भी इंट्रोड्यूस कर देते, देखो बेटा। चलो, तो इसको मैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे चलते अपन लोग। तो देख, उस फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है उसको क्या लिखता हूं मैं, माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 R, R का फॉर्मूला आपको याद है तो यार अपन ने डेराइव किया था एन स्क्वायर बाई जेड, यहां पर क्या आया था, एच स्क्वायर आया था अपॉन 4 π² के ई स्क्वायर एम, ये शायद जहां तक मेरे को याद है ये फॉर्मूला अपना बना था। तो करना क्या है अपने को, सिंपल सा R का वैल्यू आउटपुट कर देते हैं,
तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर। आर क्या है, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम। सही है, आर की जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब क्या करना है तेरे को, ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दे, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी इसके साथ ही, तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी रे, टोटल एनर्जी आ गई देख 4 पाई स्क्वायर है जैसे ऊपर चला गया, ठीक है ई की पावर 4 बन जाएगा, जेड ऊपर आएगा जेड स्क्वायर बन जाएगा, तो जेड की टर्म अलग कर लू, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर अलग बन गया, और साथ में क्या आ गया के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई की पावर 4 m डिवाइड बाई एच स्क्वायर। देख ना सारा, मैंने एकदम बढ़िया से एक एक टर्म को बताया कैसे मैंने अलग किया सेपरेट किया, ठीक है। हाँ इस 2 को भूल गया, सही याद लाया, ये 2 भी पड़ा है, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल एनर्जी इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस है जैसे 13.6। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, 13.6। 13.6 जेड स्क्वायर है जैसे जैसे एन स्क्वायर है जैसे, जो डायमेंशन या यूनिट काम मिली वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको बताओ यार, एनर्जी के 4 यूनिट अपन अभी तक काम में ले चुके हैं, कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अभी ले रहे हैं, ठीक है, जूल काम मिली थी, कैलरी काम मिली थी, आर्ग काम मिली थी ना, जूल कैलरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड आर्ग, ये 4 यूनिट अपन जनरली काम मिले थे, और इसका क्या आपस में रिलेशन अपन ने सीख लिया है, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला भी तैयार है अपने पास कॉन्स्टेंट की टर्म में, तो ये तेरे को याद भी करना पड़ेगा भाई। तो अभी तक जो भी फॉर्मूले तूने डिराइव किए हैं, ये तूने समझे हैं मेरे से, वो मैं एक साथ लिख देता हूं ताकि तेरे को हेल्प मिले, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो अभी तक अपन ने कौन कौन से फॉर्मूले सीखे हैं, कलर चेंज करते हैं वही मार्कर का, अच्छा 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 लगेगा। तो देख सबसे पहले तूने सीखा था मेरे से स्पीड, स्पीड क्या था, 2.18 × 10⁻⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, सही है। दूसरा तूने मेरे से क्या सीखा था, रेडियस आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तीसरा तुमने मेरे सीखा है एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख ले तीन फॉर्मूले अपने डिराइव किए, ये तीनों फॉर्मूले तेरे को याद करने पड़ेंगे क्योंकि तेरे को न्यूमेरिकल करना है यार, और जब तक तुझे याद नहीं होंगे ना तब तक तेरे से न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो तू क्या करेगा, इनको याद करेगा, और नेक्स्ट लेक्चर पर अपन क्या सीखने वाले, इनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स। तो अभी इस क्लास के बाद क्या सीखेंगे, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो तेरे को फॉर्मूला याद होगा तभी तो क्या कर पाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अभी लेते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाए, ग्रुप पे जाए, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है, और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।